चित्तौड़गढ़ के बेगू में किसान की मेहनत जलकर राख। जी हां, भीषण आग से 11 बीघा मक्का की फसल राख हो गई। गोपालपुरा गांव में शंभूलाल के बाड़ी में आग लग गई। दो दमकलों की सहायता से आग पर नियंत्रण किया गया, लेकिन फिलहाल आग किस वजह से लगी उसका खुलासा नहीं हो पाया। बेगू पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। तो तस्वीरों में जो आपको नजर आ रही है वो किसी किसान की मेहनत है जो कि जलकर खाक हो गई। फिलहाल किस वजह से 11 बीघा मक्का की फसल जलकर खाक हुई इस पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन काफी दुख देने वाली तस्वीरें। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता राजकुमार इस वक्त मेरे साथ बेगू से फोन लाइन पर जुड़ के। राजकुमार, देखिये, एक किसान पूरे साल भर मेहनत करता है, हर तरीके के विपरीत मौसम में अपनी फसल को उगाता है, लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती है, 11 बीघा मक्का की फसल जलकर राख होना कितनी दुखदायी घटना है और क्या कारण फिलहाल इसके बताएं। जी मैडम, जयती मैडम, बताना चाहूंगा कि यह घटना आधी रात को हुई है जी, तो इससे यह तो सहज पता लग रहा है कि किसी ने रंजिश वश बाड़े में आग लगाई है, क्योंकि इस कड़ाके की सर्दी में स्वाभाविक रूप से आग लगना अपने आप नहीं उतरता है। जी 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 जय थी। पुलिस क्या कह पा रही है अभी इस पर राजकुमार, और जो पीड़ित किसान है उसका क्या कहना है, उसने किसी के ऊपर अभी आरोप लगा है क्या ऐसा कुछ? पुलिस ने सूचना मिलते ही रात को पहुंच करके मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन किसान भी सीधे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा पा रहा है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है मामले की। जी, कोई प्रशासनिक चेहरा वहां पर पहुंचा, क्योंकि एक बड़ा मामला है अपने आप में, 11 बीघा फसल जो पकी हुई थी वो जलकर खाक हो गई, मुआवजे के लिए क्या कुछ अभी बातें सामने आई है क्या? इस मामले में तहसीलदार रामधन गुर्जर ने पटवारी को भेज करके और रिपोर्ट मंगाई है। वहीं रात को ही नितिन स्पिनर्स और बेगू नगर पालिका के दमकल वहां पहुंचे, तभी जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। जी, चलिए राजकुमार, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।